नमस्ते, मैं नामिका राय और आप देख रहे हैं द न्यूज उत्तर प्रदेश। मैं आज उपस्थित हूँ नौका विहार पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी क्राउड है, यहाँ के लोग कितने एक्साइटेड है, लोग घूमने के लिए जाते हैं नैनीताल हर जगह। आज मेरा गोरखपुर इतना डेवलप हो चुका है, यहाँ पे इतनी क्राउड है, लोग इतने एक्साइटेड है कि मैं क्या ही बताऊँ। आज मैं यहाँ के लोगों से मिलती हूँ, आइए मिलते हैं यहाँ के लोगों से, पूछते हैं किन चीज़ों की। मैम आप कहाँ से आई हैं? हम गोरखपुर से हैं, सॉरी पटना से हैं। पटना से आएंगे आपको यहाँ पे, ऐसी क्या चीज़ें थी कि आप यहाँ पे घूमने आएंगे? अच्छा लगा, सेकंड बार आ रहे हैं, अच्छा लगता है। आप कितने दिनों बाद यहाँ पे आ रही हैं? 1 ईयर से बाद आ रहे हैं। कुछ डेवलप आपको लग रहा है, क्या चीज़ें यहाँ पे चेंज हुए हैं? सर सफाई बहुत है, अच्छा लग रहा है। और एक बार आए थे इसी तरह, बहुत ही ज्यादा। आप कहाँ से हैं? बिहार के रहने वाले। बिहार के, आप कितने दिन बाद यहाँ पे हैं घूमने? दो साल के। दो साल के बाद क्या चीजें आपको यहाँ की बहुत ज्यादा चेंजिंग लग रही है, कुछ चीजें हैं? अभी जो ये लाइट साउंड जो है वाटरप्रूफ वाला, ये सबसे अजूबा लगा। तो आप लोग पर्सनली बस यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं? हाँ, घूमने के लिए आए हैं। गर्मियों की जो हम लोग घर में घूम रहे थे उसी तो घूमने की चीजें। आज मेरे गोरखपुर इतना डेवलप हो चुका है कि आप लोग इतने दूर दूर से बस पर्सनल घूमने के लिए आते हैं। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग ऐसे ही घूमते रह गया जितना बाबा ने किया है। आप लोग इतने एक्साइटेड क्यों, क्या मतलब ये क्या चीजें चल रही है, क्या आप इतना क्राउड है आज, ये सारी चीजें क्या? देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है लेकिन जानता नहीं सुख कहाँ है। हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम जितना भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर भी सुख ढूंढ रहे हैं, उस शरीर से संबंधित वस्तु में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम हैं लोग आत्मा। तो सुख हमको, वास्तविक सुख तब मिलेगा जब हम आत्मा का भोजन उसको देंगे। आत्मा का भोजन है हरिनाम संकीर्तन। तो आपको इन चीजों के बारे में कैसे इतना वो हुआ? श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से जानकारी प्राप्त होती है। आप लोग ने कहाँ से स्टार्ट किया, कि आप लोग को लगा कि ये चीजें करनी चाहिए, जनता इतनी एक्साइटेड होगी और कुछ भी होगी? हमारा जो आंदोलन है ये आज का नहीं है, 1966 में शिला प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, वहाँ पर इस संस्था की स्थापना की थी, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। वहाँ से आज हमारे देश विदेश में लगभग 750 केंद्र हैं और 190 से ज़्यादा देशों में हमारे केंद्र हैं। वहाँ पर यह हरिनाम संकीर्तन होता है, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव इत्यादि मनाए जाते हैं, और लगभग 750 से 800 हमारे केंद्र हैं, बड़े बड़े मंदिर। हरिगोपाल दास जी, आपके ये टीम भी होंगे फिर, ये पूरे टीम ग्रुप तो आप ही के? हाँ, हम 4-5 लोग आए हैं, हमारा बहुत बड़ा टीम है, लगभग हजारों लोगों का टीम है। आप इस्कॉन कानपुर में जाकर के देखेंगे, इस्कॉन कानपुर का एक छोटा सा सेंटर है। चलिए, ये चीजें देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा कि आप खुद के साथ साथ लोगों को भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा रहे हैं। मुझे लग रहा है ज्यादातर तो आप ही की वजह से भीड़ इकट्ठा हुई है, ऐसे सारे लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कलयुग में कहा गया है शास्त्रों में कि हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम और हरि का नाम ही एकमात्र साधन है वास्तविक सुख का, दूसरा कोई और उपाय नहीं है। ना अस्ति एव अन्यथा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, एक ही है हरि नाम। तो बस आप हरि का नाम लेते हैं और कोई अदरवाइज? भगवत गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसका, सिर्फ हरि नाम ही नहीं है, बहुत कुछ चीजें हैं। आपके साथ सारे लोग करते हैं? हाँ, सब लोग आपके टीम में सारे लोग करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं जो अलग अलग संस्थानों में जो है जॉब करते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं और साथ के साथ हरि नाम भी करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से। मैं तो देखी ज्यादातर आपके ही पास इतनी ज्यादा क्राउड थी कि देख के बहुत ही अच्छा लगा कि आप साथ में खुद भी इतने एक्साइटेड हो करने के लिए और आप इतने स्ट्रांग हो कि लोगों के सामने ये सारी चीजें कर सकते हो और फिर आप लोगों को इतना भीड़ इकट्ठा, सब लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हाँ, तो आप सब लोग संडे को हमारे प्रोग्राम में आइएगा, संडे को शाम को 5 से 8 बजे हमारा प्रोग्राम होता है। संडे को होता है कहाँ पे होता है? सर माउंट स्कूल के पास में, तारामंडल के पास। बहुत अच्छा लगा आपसे। हरे कृष्णा। तो सब लोग बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाथ उठाइए सब लोग हाथ उठाइए, आप भी उठाइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम।
प्राउड है, बस एक ही नाम है, हरे रामा हरे कृष्णा, और एक बाबा जी है जो सबको एकदम खुद के साथ लोगों को एकदम झुमा सा दिए है। लोग इनके पीछे पीछे, इन्होंने पहले वहां पे स्टार्टिंग किया, वहां से फिर यहाँ आए, देख रहे क्राउड इनके पीछे पीछे ही आ रही है। बाबा क्या कर दिया आप ऐसा कि हरे रामा हरे कृष्णा में लोग झूम गए। सब लोग कीर्तन करिए हमारे साथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। देखिए समय का विभाजन चार युगों में होता है, सतयुग, त्रेतायुग और उसके बाद द्वापर युग और फिर कलयुग। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कृते यद ध्यायतो विष्णु, जो सतयुग में ध्यान करने से प्राप्त होता था भगवान का साक्षात्कार, त्रेता युग में जो यज्ञ करने से प्राप्त होता था, और द्वापर में जो मूर्ति पूजा करने से प्राप्त होता था, वही कलयुग में कैसे होता है? कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में वही हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। आप बाल गोपाल जी के बहुत ही प्यारे भक्त लग रहे हैं, है ना? बाल गोपाल जी को ज्यादा ही मानते हैं। तो सब लोग बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम रामा राम रामा हरे 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 राम वृंदावन के विधायक और सुंदर भगवान के संकीर्तन यज्ञ के श्री प्रभुपाद के बहुत सही। वाह थैंक यू। और कहते हैं आवाज नहीं जा पाएगी, निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, निकाल दीजिए। वैसे मैं इंटरव्यूज वगैरह दिया हूँ, इससे पहले भी कई जी। मैम आप काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, बिल्कुल लोगों को इतना एक्साइटेड भी रखते हैं। एक्चुअली मैम मेरा ऐसा अंदर से मन करता है ये सब करने का। एक्चुअली लोग आज की डेट में इतना डिप्रेस हो चुके हैं, लोग सुसाइड वगैरह कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें आप देख ही रही हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर दो पल की खुशी में अगर किसी को हंसने का मौका मिले तो जरूर करना चाहिए ऐसा। तो आपको ऐसा लगता है क्या ये चीजें करने से ये सुसाइड वगैरह सारी चीजें बंद कर सकते हैं लोग? बिल्कुल हम कर सकते हैं मैम। जैसे कि हम अगर किसी को झूठा दिलासा देकर के अगर उनको एक प्रोत्साहन दे सकते हैं अगर जीने का हंसी के माध्यम से, तो ये बहुत बड़ी बात होती है मैडम। हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम करने का प्रयास तो करते हैं मैम। बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जितनी बार भी नौका पे आती हूँ उतनी बार मैं आपको देखती हूँ, काफी लोग आपके साथ पिक्चर्स भी लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? मैम जैसे कि मेरा सोच यही मेरा मानना है कि लोग आज की डेट में जो जैसा माहौल चल रहा है लोग हंसना भूल गए। हमेशा अक्सर लोग जो है कि क्राइम के सीन्स मतलब क्राइम के स्टोरीज वगैरह देख रहे हैं, लोग जो है कि डिप्रेशन में ऑलरेडी चले जा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए हमारे साथ वैसा ना हो जाए। और लोग अगर उस माहौल में रहते हैं जहाँ पे हमेशा हंसता खेलते लोग रहते हैं, तो वहाँ पे अक्सर जो है कि वो चीज़ को आकर्षण बहुत कम होता है और लोग ये चीज़ से दूर रहेंगे। आपके मन में ये चीज़ें आई कहाँ से कि मैं इस चीज़ों से लोगों को एक्साइटेड कर सकता हूँ, लोगों को बहुत ही मतलब इन चीज़ों में ला सकता हूँ कि लोग हंसते रहेंगे खेलते रहेंगे और करते भी हैं लोग जी? आपके मन में ये ख्याल कहाँ से? एक्चुअली मैम मैंने भी जो है कि यूट्यूब पे इसी चीज़ का मैंने प्रोग्राम देखा था, यूट्यूब पे वीडियो देखा था, और वहाँ से मुझे मतलब मेरे मन में पहले से ही बहुत बचपना बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर। तो मैंने सोचा कि मेरे अंदर बचपना तो है ही, और टेडी बियर से जो है कि मेरा चेहरा तो फेस में छुपा ही रहेगा और मैं इस काम को कर भी जाऊँगा। आप कहाँ से आए हुए हैं? यहीं बतियाता गोरखपुर से। बतियाता गोरखपुर से जी। आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी यहाँ पे रहने वाले हैं, बस संडे को कभी कभी आ जाते हैं। संडे को कभी कभी आ जाते हैं। तो आपको क्या ऐसा लगा कि आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? आज तो एकदम स्पेशली एंजॉय लगा, क्योंकि आज ये हरि कीर्तन जो श्री कृष्ण जी का हुआ बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ पे गा के आपको इसके बारे में पहले से पता है? नहीं पता नहीं था, लेकिन आज पता हुआ है। अगले संडे को हो सकता है जाएंगे। अगले संडे को आपको इनवाइट किया गया है वहाँ पे जाने, आप काफी ज्यादा एक्साइटेड भी इन चीजों को। आपका नाम क्या है? शैलेश कुमार। शैलेश कुमार
तो शैलेश कुमार जी, आप यहाँ पे किस पर्पज से आए, क्या चीज़ है आपको ऐसा लगा कि आपको नौका एम पे जाना चाहिए? देखिए ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में जी, तो जब बोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा तो चले जाते हैं फिर ऐसे ही टाइम पास करते हैं। यहाँ तैयारी करते हैं सिविल सर्विस का। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम यही से था, पहली बार से। पहली बार से तो आपको क्या ऐसा लगा, आप कितने दिन बाद यहाँ पे आ रहे हैं? कितने दिन, हम तो आते ही रहते हैं। आते ही रहते हैं, फिर तो आप प्रॉपर सारी चीजें देखते ही होंगे। हाँ देखते हैं। तो फिर आज की चीजें, पहले की चीजों में और आज की चीजों में आपको क्या अलग लगा? बहुत बदलाव लगा, अभी पहले क्या इतना ये नहीं था, अभी लाइटिंग वाइटिंग का जो हुआ है, बाकी ये नाव का हुआ है, बहुत चेंज हुआ है, बहुत पहले से हम आते हैं। आज की खुशियाँ, जो लोग इतने ज्यादा क्राउड है, इसका क्या? आज संडे भी है तो फैमिली साथ घूमने आते हैं। संडे या तो काफी लोग समय, हाँ काफी लोग करने आते हैं, फैमिली को लेके आते हैं। अभी जैसे अभी गोरखपुर में सबसे बढ़िया जगह घूमने के लिए पर्यटन स्थल यही है, जिसको सीएम ने बनवाया है, बहुत डेवलप करवाया है। अभी आप देख सकते हैं उधर भी काम चल ही रहा है, तो इट इज बेस्ट फॉर वंडरफुल। थैंक यू सो मच। और मुझे लग रहा है कि लोग पहले घूमने इसके लिए नैनीताल और सारी जगह आ बहुत ज्यादा, मैंने कई लोगों से इंटरव्यू भी लिए तो लोग बताते बहुत ही दूर दूर से आए हुए लोग आना पड़ता था। अभी यहाँ क्या है, 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर अगल बगल देवरिया के, कुशीनगर के, सिद्धार्थनगर के लोग आराम से आते हैं, घूम के जाते हैं और बोलते हैं मुझे मजा आया गोरखपुर में ही। ऐसी क्या चीजें हैं यहाँ पे? अभी यहाँ देखे जाए बोटिंग शुरू हुआ है, तो ये बहुत बेस्ट है। बोटिंग में, बोटिंग का लुत्फ हमने भी उठाया है, काफी मजा आया है। और झूला भी, चिड़ियाघर इधर है तो चिड़ियाघर उस तरफ से इधर जाते हैं, तो सब बहुत आनंद है सब। हम यही जाए गोरखपुर से, गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं। तो आप कितने दिन बाद यहाँ पे नौका पे आ रहे हैं? लगभग 1.5 महीने बाद आए। 1.5 महीने बाद आ रहे हैं, आपको क्या चीजें बहुत ज्यादा चेंज लग रही है, कुछ डेवलप लग रहा है आपको? यहाँ ये खुला वातावरण है, खुली हवा है और संडे के दिन इसलिए भीड़ ज्यादा है, और इधर प्रकाश की व्यवस्था है, और जो उधर न्यू बना है ये अशोक स्तंभ है, और बाकी उधर जो न्यू ये रेस्टोरेंट है उससे भी थोड़ा सा भीड़ बढ़ा हुआ है जी। और ये गोरखपुर का है, थोड़ा सा इस समय खुला एरिया, सबसे ज्यादा भीड़ भरा एरिया है। आज के 1.5 महीने पहले आप आए थे तो यही क्राउड थी? नहीं, संडे को के अलावा आए थे तो भीड़ कम था, तो संडे को विशेष रूप से भीड़ रहता है क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है, घर परिवार के लोग और ऐसे लोग आते रहते हैं जी। यहाँ के अच्छा लगता है, गोरखपुर का नया ये पिकनिक पॉइंट कह सकते हैं, खुला वातावरण से परिपूर्ण है। हम यहाँ तब से आज जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब आते थे तो यहाँ 1-2 लोग भी नहीं आते थे, आज से 20 साल पहले की बात है। तो यहाँ आने पर लोग डरते थे, ऐसा एरिया था कि लोग भय युक्त थे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग छोटे रहे होंगे जब हम स्नातक में थे, ये पहले गंज से जब इधर आइए तो 2-4 लोग ही आते थे, क्योंकि शहर का ये पिछड़ा और वीराना एरिया माना जाता है। तब इतना डेवलप नहीं हुआ था, इतना कुछ नहीं हुआ था, 20-22 साल पहले की बात है। और इस समय कुछ साल से आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना भीड़ है कि आप खड़े रहेंगे धक्का से आप बाहर चले जाएंगे। ये लोग दूर दूर से घूमने आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, गोरखपुर के पास देवरिया है, बस्ती है, संत कवि नगर आदि से आते हैं, क्योंकि ये गोरखपुर में तो प्रसिद्ध है, इसके आसपास स्थल में भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब तो और भी डेवलप हो रहे उधर, उधर बन रहा है, ये अच्छी बात है हमारे गोरखपुर के लिए। अच्छी बात है कि हमारे गोरखपुर शहर में बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर न्यू लोगों को रोजगार मिल रहा है, इससे ऐसे गरीब लोगों को भी आत्मनिर्भर होने का अवसर मिल रहा है जी। बहुत अच्छी बात है, आप लोग लोगों को जन लोगों को बताएंगे, ये संदेश देंगे अच्छे, आप लोग भी एक अच्छा प्रयास आप लोगों का, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपका क्या नाम है? प्रिया शर्मा। फैमिली के साथ आई हुई? यस मैम, फैमिली के साथ। सर आप यहाँ पे घूमने आई हुई हैं? यहाँ परमानेंट रहते हैं। आप यहीं परमानेंट रहती हैं? वाह बहुत अच्छी बात है। तो परमानेंट आप रहती हैं तो बाकी सारे डे में और आज के डे में क्या अंतर? बाकी सारे डे में भीड़ रहती है, लेकिन आज संडे के दिन कुछ एक्स्ट्रा भीड़ हो जाती है। आज आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड? यस मैम, क्योंकि मतलब बहुत दिन से अगर ना निकलो और अचानक से संडे के दिन निकलो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी दिन तो बिजी शेड्यूल रहता है, स्कूल कॉलेज फिर ट्यूशन वगैरह सब, बच्चों को पढ़ाओ, टीचर हूँ मैं तो ये सब चीज रहता है, और संडे के दिन ऑलमोस्ट इंसान फ्री रहता है। सबसे प्यारा तो रामगढ़ ताल है, लोग दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, और संडे का एंजॉयमेंट अलग ही होता है, यहाँ पे कुछ अलग ही देखने को मिलता है। बाकी दिन देखिए संडे से अलग ही रहेगा, इतना भीड़ भाड़ देखा जाए तो नॉर्मली, लेकिन संडे के दिन कुछ ज्यादा ही भीड़ की मतलब इतना पैर रखने का जगह नहीं मिलता है। हाँ वो तो मैं देख रही जब से, और बाकी तो ये
पुजारी जी हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, इससे और भी ज्यादा लोग हैं। ज्यादा फायदे इन लोगों के जो रोड पे दुकान लगा रहे हैं, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उन लोगों की कमाई हो जा रही है। पूरे फैमिली के हैं लोग, तो इन लोग का मतलब कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, सपोर्ट हो जा रहा है, सपोर्ट हो जाता है। बाकी तो सब कुछ अच्छा है और जैसे जैसे रात होगी ऐसे ऐसे आपका समझ जाइए कि और भीड़ बढ़ती जाएगी क्योंकि ठंडा मौसम होता है ना, गर्मी का मौसम है तो लोग ठंडा ठंडा दिन में तो निकल नहीं सकते हैं, इवनिंग टाइम में 5 बजे के बाद सब लोग निकलता है। कब तक ये चीजें चलती है यहाँ पे? यहाँ पे चलती है मतलब 9:30 जो लोग रोड पे दुकान भी लगाए उन लोग का भी पेट भरता है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मतलब थोड़ा सा इन लोगों को भी सपोर्ट मिल जाता है। जी अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, अच्छी बात है। अपने खुद को छोड़ के लोगों के बारे में भी आपने सोचा, बहुत ही अब इतना ज्यादा ये आत्महत्या मर्डर हो रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम आत्महत्या और मर्डर के बारे में तो मैं बताऊंगी, लेकिन वो उसमें क्या है कि लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर उनकी थिंकिंग जैसी रहेगी वैसा वो करेंगे काम। अगर आपको क्या लगता है ये लोग जो मर्डर कर देते हैं, अभी आपने देखा एक दिल्ली का न्यूज था और भी कई जगह का न्यूज आ रहा है कि कई लोग चक्कू मार दे रहे हैं, कई कुछ कर दे रहे हैं, अभी फिलहाल रिसेंटली दिल्ली में ऐसा हुआ। जी जी यस मैम, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उस चीज को मैं लेकर के लड़कों को तो बोलूंगी नहीं क्योंकि लड़के को तो एक मौका चाहिए होता है। ठीक है, गलती तो दोनों की बराबर होती है। अगर दोनों उस चीज को लेके सेटिस्फाइंग है तभी कुछ आगे बढ़ता है। बट एक इंसान एक होता है, एक टाइम तक होता है कि उसको हर एक चीज पे एक साथ लोग रहते हैं, फिर ऐसी क्या चीजें हो जाती है अचानक से कि लोगों को यहाँ तक बढ़ जाना पड़ता है कि खुद का आत्महत्या करना पड़ता है? मैम इस बारे में तो मैं किसी की थिंकिंग को पढ़ नहीं सकती हूँ, इतना तो है। मैं मेरे थिंकिंग के हिसाब से अगर माना जाए तो ये जो सुसाइड करते हैं लोग ये चीज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे क्या है कि अगर सुसाइड कर रहे हैं तो एक तो खुद का नुकसान कर ही रहे हैं, खुद की लाइफ को तो बर्बाद कर ही रहे हैं और साथ में जो फैमिली रहती है, जो बचपन से माँ बाप जन्म दिए रहते हैं, कुछ आशा उम्मीद लगाए रखते हैं, तो वो सब चीज खत्म हो जाता है। ऊपर से हर जगह रिलेशन से लेके कॉलोनी, पूरे इंडिया चाहे वर्ल्ड की बात की जाए, अगर उस हिसाब से लोग नजर उस से लोग देखते हैं, मतलब लोग ये नहीं देखना चाहते हैं कि किसी की जिंदगी कितनी कीमत होती है, कि एक गुस्से के चक्कर में कितनी कीमती से जिंदगी मिलती है, तो उसको फुल स्पेंड करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से इंजॉयमेंट करने के साथ। लेकिन लोग ये चीज भूल जाते हैं और बहुत ज्यादा डिपेंड होने का क्या वो है, क्यों डिपेंड होती है? भूल जाती है कि जो माँ बाप पाल पोस के इतना बड़े किए हुए हैं, कारण क्या होता है डिपेंड होने का? कारण यही होता है कि मैम उनका बस थोड़ा बहुत साथ में रहते हैं, उनके थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं जिसकी वजह से वो उनसे ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है और मम्मी पापा का प्यार उस टाइम लोग का खत्म हो जाता है, भाग जाते हैं। मेरा मानना ये है कि लड़के मान लीजिए 6 महीने साल भर से मिलते हैं लड़कियों से और एक माँ बाप तो होते हैं 22-23 साल तक अपने बच्चों के साथ है। जी तो लड़कियाँ इतनी मूर्ख होती हैं कि साल भर 1.5 साल से जो लड़के मिलते हैं उनपे वो अपने माँ बाप से ज्यादा भरोसा करने, और ज्यादातर न्यूज यही आ रहा है कि लड़कियों का ही मर्डर किया जा रहा है, लड़कों का क्यों नहीं हो रहा? लड़कों का नहीं हो रहा है और किसी देखिए ज्यादातर लेडीज का भी नहीं हो रहा है मैरिड लोग का, लेकिन ज्यादातर ये अनमैरिड लड़कियों का ही हो रहा है। फिर ये अनमैरिड लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? मैम आवाज नहीं उठा रहे हैं ये, अब सब लोग अपना सोच करके, हो सकता है कोई आवाज उठाए तो उस पे कोई दूसरा आकर के बोल सकता है, इसलिए लोग बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो पीछे हट जाती हैं। तो फिर लड़कियों को ऐसा करना ही क्यों चाहिए, क्यों लोग ऐसी चीजें करते हैं? माँ बाप की प्यार को भूल के उनके पीछे पड़ जाती है, उनके साथ भाग जाती है। माँ बाप कितने उम्मीद से भेजते हैं कि मेरी बेटी जाएगी शहर, पढ़ेगी लिखेगी, और वो दो बस दो दो साल 3 साल के प्यार में वो माँ बाप का प्यार भूल जाती है और जिसके वजह से उनके साथ ये घटना होती है। हम उन लड़कियों न्यू लड़कियों से यही कहेंगे, माँ बाप खेत बेच के कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करके बर्तन माज के अपनी बिटिया को पढ़ा रहे हैं, तो उनको अपने माँ बाप पे भरोसा करना चाहिए। और ये प्यार वार कुछ होता नहीं है मैम, बस वो आपको यूज कर रहे हैं, ये सोच लड़कियों को रखनी चाहिए कि अगर हमें वो यूज कर रहे हैं तो हम माँ बाप के भरोसे को कभी ना तोड़े, जो जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करें, जैसे पढ़ने आए हैं तो पढ़ के माँ बाप का नाम रोशन करें ताकि माँ बाप की जो उम्मीद है, एक लड़की गलत कदम उठाती है सारी लड़कियां बदनाम हो जाती है उनके पीछे, जिसके वजह से एक लड़की की वजह सारी लड़कियों को झेलना पड़ता है और हम लोग नजर उठा के भी नहीं चल पाते क्योंकि एक लड़की को कमेंट होता है हम लड़कियों को भी गाली मिलता है सुनने को।
लेकिन यहाँ पे तो ऐसा तो है नहीं कि एक लड़की अगर इतनी वीक है तो और सारी लड़कियाँ तो स्ट्रांग तो है ना, स्ट्रांग है मैम, लेकिन चाह करके भी लड़कियाँ कुछ कर नहीं पाती है। अगर लड़कियाँ चाहते तो बहुत ऐसा चीज हो नहीं सकता। और इतना ज्यादा अब हमारे देश में इस चीज को लेकर के डर हो गया है कि लड़कियाँ को अब कहीं भेजा ना जाए। अभी रिसेंटली में केरला स्टोरी फिल्म आई है, रिलीज हुई है, तो उस फिल्म को लेकर अगर लड़कियों को बोला गया है कि लड़कियां देखें, लेकिन देख तो रही है, लेकिन उसके भी थ्रू माइंड में ये हो जा रहा है पेरेंट्स के कि अब हम भी भेजेंगे तो ऐसे ही होगा। लड़कियां अगर सही रहेंगी तो सब कुछ सही रहेगा। अगर लड़कियां बिल्कुल सही रहेंगी तो उनको किसी लड़के का या फिर किसी का भी हिम्मत नहीं होगा कि वो फिर उनको आंख उठाकर कोई देखे या फिर कोई टच कर दे। बताइए क्या नाम है आपका? कृष्णा। तो कृष्णा जी आप यहाँ पे घूमने आए हुए हो? किसके साथ आए हैं? मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा के साथ। आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा है? क्या चीजें दिख रही हैं यहाँ पे ऐसी? नदी है, बोट है, यहाँ पे सब चीज है, सारी चीजें हैं। आपको अच्छा लग रहा है? क्या चीज सबसे प्यारा लगा आपको यहाँ का? लेक, लेक। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मऊ। मऊ से? आप मऊ से आए हुए हो? आप इतने दूर से यहाँ बस घूमने के लिए आए? ये बच्चा देख सकते हैं आप लोग की मऊ से चल के गोरखपुर में बस ये नौका बिहार में घूमने आए हुए हैं। और इतना ज्यादा एक्साइटेड किस चीज को लेके हो? तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।